गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सी ए सुमित करके अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपनी लास्ट वीडियो में हम 12 सबसेक्शन 10 तक कवर कर चुके हैं प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर, और आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। तो एक क्विक रिवीजन वीडियो भी मैंने आपके लिए अपलोड किया है, आप वो देख सकते हैं ताकि सारा जो चैप्टर में अभी तक हमने डिस्कस किया है वो क्विकली आप रिवाइज कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। 12 सबसेक्शंस 11 इज रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो यहाँ पर है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग डेटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्टिंग केबल एंड D2H। यहाँ पे डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विसेज यानी कि D2H सर्विसेज टू एनी पर्सन शेल। तो यहाँ पे हम किस चीज का प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं? टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज का हम निकाल रहे हैं, जिसके अंदर डेटा ट्रांसफर की सर्विसेज भी आती हैं, ब्रॉडकास्टिंग की भी, केबल की और D2H की। तो यहाँ पे अलग अलग इसे तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रेदर चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इन द केस ऑफ सर्विसेज बाय फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन लीज्ड सर्किट, इंटरनेट लीज्ड सर्किट, केबल और डिश एंटीना। तो कभी समय था जब फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन और लीज सर्किट्स का जमाना था, और इस तरीके से ये टेलीकम्युनिकेशन की जो सर्विसेज हैं दी जाती थी, यानी कि एक फिक्स्ड लाइन इंस्टॉल्ड की जाती थी, फिक्स्ड लीज सर्किट इंस्टॉल्ड किए जाते थे और आपके घरों में केबल और डिश एंटीना की सुविधा लगाई जाती थी। बी द लोकेशन, तो इनकी सिंस इसका प्लेस फिक्स्ड है तो इसकी लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगी? बी द लोकेशन वेयर द टेली कम्युनिकेशन लाइन लीज सर्किट और द केबल कनेक्शन और द डिश एंटीना इज इंस्टॉल्ड फॉर द रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज। यानी कि यदि आपके घर में डिश एंटीना लगा हुआ है तो आपका घर जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। तो जहां से भी लोकेशन है इंस्टॉलेशन की वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगी, यानी कि फिक्स्ड केसेस में आप कह सकते हैं कि जो भी लोकेशन है वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगी। नाउ केस कम्स टू पोस्टपेड मोबाइल्स। इन द केस ऑफ मोबाइल कनेक्शन फॉर टेली कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर मोबाइल कनेक्शन का क्या मीनिंग है? जो कि मोबिलिटी प्रोवाइड करता है टेली कम्युनिकेशन को एंड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन पोस्टपेड बेसिस। तो अगर कोई टेली कम्युनिकेशन के लिए जो मोबाइल कनेक्शन है जो पोस्टपेड है और पोस्टपेड इंटरनेट सर्विसेज है, तो पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन या पोस्टपेड इंटरनेट सर्विसेज। बी द लोकेशन ऑफ द बिलिंग एड्रेस ऑफ द रिसीपेंट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पर साफ बोल दिया है कि पोस्टपेड मोबाइल में जो बिलिंग एड्रेस रहेगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि हर पोस्टपेड कनेक्शन लेने से पहले आपके KYC डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाते हैं और आपका एक बिलिंग एड्रेस डेफिनेटली वहां पर रिकॉर्ड्स में होता है। तो इसलिए आपका जो प्लेस बिलिंग एड्रेस है वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। वॉट कम्स इन फॉर्म ऑफ प्रीपेड मोबाइल्स, तो इन द केस वेयर मोबाइल कनेक्शन फॉर द टेली कम्युनिकेशन इंटरनेट सर्विस एंड D2H टेलीविजन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ऑन प्री पेमेंट बेसिस। यानी कि पहले आप पेमेंट करेंगे, देयर आफ्टर आप उतना उस वैल्यू तक की सर्विसेज को अवेल कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, थ्रू ए वाउचर और एनी अदर मीन्स, तो यानी कि आप रिचार्ज के थ्रू या फिर वाउचर के थ्रू, आपको पता है कि जब आप प्रीपेड मोबाइल यूज कर रहे थे तो 10-10 रुपए के रिचार्ज वाउचर आते थे जो आपको दिए जाते थे, आप उसे स्क्रैच करके अपना उस कोड को जो मिलता था एंटर्ड करते थे और उतनी वैल्यू का टॉक टाइम आपके मोबाइल कनेक्शन में अपडेट हो जाता था। सिमिलरली D2H में भी ऐसा ही है कि आप जितने रुपीस का रिचार्ज करेंगे उस हिसाब से आप सर्विसेज को एंजॉय कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, अगर प्रीपेड चीज है, प्रीपेमेंट बेसिस पे अगर आपको कोई सर्विसेज मिल रही है टेलीकम्युनिकेशन की, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगा? तो यहाँ पर मैंने पहले आपको बताया कि फिक्स्ड बेसिस पे अगर कोई इंस्टॉलेशन टेलीकम्युनिकेशन लाइन इंस्टॉल्ड है तो जहां पर इंस्टॉल्ड हुआ है, अगर पोस्टपेड है तो मोबाइल जो बिलिंग एड्रेस है वही रहेगा। अब हम कंसिडर कर रहे हैं प्रीपेड कनेक्शन को, तो यहाँ पर प्रीपेड कनेक्शन में दो चीज है, थ्रू ए सेलिंग एजेंट और ए रीसेलर और ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड। तो ये सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड इज नथिंग बट द सिम कार्ड, सिम की फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो अगर सेलिंग एजेंट या फिर रीसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो बेच रहा है सिम कार्ड और रिचार्ज वाउचर, तो बी द एड्रेस ऑफ द सेलिंग एजेंट और द रीसेलर और द डिस्ट्रीब्यूटर एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर जो भी सप्लायर है उसके पास जो एजेंट का और रीसेलर का डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस है वो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर किया जाएगा। और बाय एनी पर्सन टू द फाइनल सब्सक्राइबर,
अगर फाइनल सब्सक्राइबर को दिया जा रहा है तो बी द लोकेशन वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड और सच वाउचर्स आर सोल्ड। यानी कि अगर सपोज कीजिए कोई दिल्ली में कोई एक पर्टिकुलर जगह से कोई शॉप पे बैठकर अपना प्री पेमेंट वाउचर सेल आउट कर रहा है फाइनल सब्सक्राइबर को, इन दैट केस उसकी जो शॉप का एड्रेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। एंड लास्ट इज द रेजिडरी केस। तो आपने देखा कि पहला फिक्स लाइन का केसेस है जहां पर भी इंस्टॉलेशन है, सेकेंड पोस्टपेड मोबाइल का है उसके केस में बिलिंग एड्रेस, और प्रीपेड वाले केसेस में अगर एजेंट के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या रीसेलिंग एजेंट के थ्रू भेजा जाता है तो उनका एड्रेस जो रिकॉर्ड पे है, यदि अगर फाइनल सब्सक्राइबर को दिया जाता है तो जहां पर भी पेमेंट रिसीव्ड हुई है या फिर जहां से भी वाउचर सोल्ड किए गए हैं वो प्लेस लिया जाता है। यदि कोई अदर केस है तो बी द एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज एंड वेयर सच एड्रेस इज नॉट अवेलेबल द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। तो यहाँ पर सिंपल बोल दिया गया है कि अगर रिसिपियंट का एड्रेस है तो रिसिपियंट का एड्रेस, अदरवाइज नहीं है तो सप्लायर के एड्रेस को प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे एक प्रोवाइजो भी डाला गया है जो कि चारों सबसेक्शन सब क्लॉजेस पे एप्लीकेबल है। व्हाट इज दैट? प्रोवाइडेड दैट वेयर द एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज इज नॉट अवेलेबल। अगर एज पर रिकॉर्ड्स रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है, सपोज कीजिए मैंने बोला कि पोस्टपेड मोबाइल के केसेस में बिलिंग एड्रेस पर हम प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर करेंगे, सपोज कीजिए अगर इन केस बिलिंग एड्रेस अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। तो यहां पर सप्लायर की लोकेशन को यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर कर लिया जाएगा। फर्दर provided further that if such prepaid services is availed or recharge is made through internet banking or other electronic mode of payment। तो यहां पर क्या है कि आपने घर बैठे अपना प्रीपेड की सुविधाएं एक्सेस कर ली है, यानी कि आप जस्ट एक मोबाइल से एक पेटीएम ऐप से अपना रिचार्ज कर रहे हैं। द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज। तो जो भी रिसिपिएंट का आपके पास लोकेशन है वो ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे फर्दर है कि वेयर द लीज सर्किट इज इंस्टॉल्ड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड ए कंसोलिडेटेड अमाउंट इज चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज रिलेटिंग टू सच सर्किट, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस शैल बी टेकन एज बीइंग इन ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू फॉर द सर्विसेज सेपरेटली कलेक्टेड और डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इन द एब्सेंस ऑफ सच एग्रीमेंट ऑन द बेसिस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो जैसा कि आपने पहले भी देखा था कि अगर मोर देन वन स्टेट में कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो इन दैट केसेस यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि किस हिसाब से उस स्टेट में बाइफर्केशन होगा। अगर कोई भी कंसिडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर रूल्स में प्रिस्क्राइब यहाँ पर रूल्स किया गया है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग इसका काम चलेगा। तो आइए डिटेल्ड में पढ़ते हैं इसे। तो आइए देखते हैं डिटेल्ड में क्या मतलब है कि कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा यदि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, द वैल्यू ऑफ सर्विसेज सप्लाइड इन डिफरेंट स्टेट यूनियन टेरिटरी वेयर द लीज सर्किट इज इंस्टॉल्ड इज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द रूल 6। तो रूल 4 हम पढ़ चुके हैं, रूल 5 हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर कौन सा रूल एप्लीकेबल हो रहा है? रूल 6 एप्लीकेबल हो रहा है of IGST rule in proportion to the number of points lying in the each state union territory। तो यहाँ पर जो आपका bifurcation होगा, पहली बात ध्यान दीजिए, rules कब applicable होंगे? जब आपके contract नहीं है। तो आपका contract नहीं है तो rule 6 applicable होगा, और कैसे proportion किया जाएगा? number of points के regarding। तो द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए सर्किट इज डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। इन द केस ऑफ ए सर्किट बिटवीन टू पॉइंट्स और प्लेसेस, द स्टार्टिंग पॉइंट और द प्लेस ऑफ सर्किट एंड द एंड पॉइंट और द प्लेस ऑफ द सर्किट विल इनवेरिएबली कॉन्स्टिट्यूट टू पॉइंट्स। तो यहां पर अगर कोई सर्किट है जो कि दो पॉइंट्स या दो प्लेसेस के बीच में, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है वो दो पॉइंट्स यहां पर कंसिडर किए जाएंगे। अभी हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। And any intermediate point or the place in circuit will also constitute a point provided that the benefit of the leased circuit is also available at that intermediate point। यानी कि उस intermediate point पर भी अगर कोई benefit telecommunication services का दिया जा रहा है तो उसे भी एक point consider किया जाएगा। तो आइए इसके regarding हम तीन example हैं यहाँ पर, दो तीन example हैं उनको देख लेते हैं।
सर्किट बिटवीन टू पॉइंट्स और प्लेसेस. ए कंपनी टी इंस्टॉल्ड ए लीज सर्किट बिटवीन दिल्ली एंड द मुंबई ऑफिस ऑफ ए कंपनी सी. तो यहाँ पे लीज सर्किट यहाँ पर इंस्टॉल्ड किया गया है कहाँ से, दिल्ली से मुंबई ऑफिस के बीच में. द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सर्किट इज इन दिल्ली एंड द एंड पॉइंट ऑफ दिस सर्किट इज इन द मुंबई. हैंस वन पॉइंट ऑफ दिस सर्किट इज इन दिल्ली एंड अनदर इज इन महाराष्ट्र. क्योंकि हम स्टेट वाइज चलेंगे यहाँ पर, तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आता है. द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दिस सर्विस इज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ द दिल्ली एंड द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. द सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्रोवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1:1. तो ये रेशियो कहां से निकल के आया है कि नंबर ऑफ स्टेट्स के रिगार्डिंग. तो नंबर ऑफ, तो यहां पर दो पॉइंट्स हैं. तो अगर देखा जाए, अगर दिल्ली में दो पॉइंट्स होते और महाराष्ट्र में एक पॉइंट होता, तो इन दैट केस 2:1 का रेशियो होता. सिंस दोनों स्टेट में एक एक पॉइंट है, यानी कि यहां पर रेशियो कितना है, 1:1 का रेशियो है. आइए एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं. एक कंपनी टी इंस्टॉल्ड ए लीज सर्किट बिटवीन द चेन्नई बेंगलुरु मैसूरू ऑफिस ऑफ ए कंपनी सी. द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सर्किट इज इन चेन्नई एंड द एंड पॉइंट ऑफ दिस सर्किट इज इन मैसूरू. तो आइए सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल टू. ए कंपनी टी इंस्टॉल्ड ए लीज सर्किट बिटवीन द चेन्नई बेंगलुरु एंड मैसूर ऑफिस ऑफ ए कंपनी सी. तो आप देखेंगे चेन्नई अलग स्टेट है, बेंगलुरु एंड मैसूरु आर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. तो अगर आप देखेंगे, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सर्किट इज इन चेन्नई एंड द एंड पॉइंट ऑफ दिस सर्किट इज इन मैसूरु. तो द सर्किट ऑल्सो कनेक्ट्स विद द बेंगलुरु, यानी कि बेंगलुरु से भी एक इंटरमीडिएट सर्किट्स है, वहां से भी इन्होंने कनेक्शन दिया है. हेंस वन पॉइंट ऑफ दिस सर्किट इज इन तमिलनाडु एंड द टू पॉइंट्स इन द कर्नाटका. तो कर्नाटका में कौन से दो पॉइंट्स हैं, मैसूरू एंड बेंगलुरु. द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दिस सर्विस इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका. द सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्रोवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1:2 इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड द कर्नाटका रिस्पेक्टिवली. नाउ एग्जाम्पल थर्ड, इंटरमीडिएट पॉइंट और द प्लेस इन द सर्किट. तो थर्ड एग्जाम्पल हम यहाँ पे इसे छोड़ सकते हैं. तो उम्मीद है आपको ये जो 12 सबसेक्शन 11 है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का, जिसमें D2H की सर्विसेज भी हैं, प्रीपेड मोबाइल की, पोस्टपेड मोबाइल की, फिक्स टेलीकम्युनिकेशन लाइंस की सर्विसेज है, ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा. नाउ वी स्टार्ट विद 12 सबसेक्शन 12. तो आई थिंक जो सबसे बड़ा सबसेक्शन 11 है हमने उसे कवर कर लिया है और अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा. नाउ स्टार्ट विद 12 सबसेक्शन 12. द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ए बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज टू एनी पर्सन. तो यहाँ पर सर्विसेज कौन सी है, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, और जिसमें स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विसेज भी आती हैं. आप ध्यान देंगे तो गुड्स की डेफिनेशन से जो स्टॉक है उसे आउट किया गया है, और सर्विसेज से भी स्टॉक को आउट किया गया है, यानी कि स्टॉक की सेल परचेज अपने आप में उस पर GST एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन स्टॉक ब्रोकिंग की यानी कि अरेंजिंग फॉर द ट्रांजैक्शंस उसकी जो सर्विसेज दे रहे हैं वो GST के दायरे में आती है. तो हैंस स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विसेज को 12 में कवर्ड किया गया है. टू एनी पर्सन शैल बी द लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द सर्विसेज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज. यानी कि रिसिपेंट का जो लोकेशन है ऑन रिकॉर्ड उसको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, और अगर वो लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो हम सप्लायर ऑफ सर्विसेज पर यहाँ पर जाएंगे. तो आइए इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं. मिस्टर ए चेन्नई बाय शेयर फ्रॉम ए ब्रोकर इन BSE मुंबई. द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर, यानी कि चेन्नई. मिस्टर बी न्यू दिल्ली विड्रॉज मनी फ्रॉम द बेस्ट बैंक्स ATM इन द अमृतसर. तो बैंक्स बैंक ATM से पैसे निकालना कौन सी सर्विसेज है, बैंकिंग सर्विसेज है. मिस्टर बी हैज क्रॉस्ड हिज लिमिट ऑफ फ्री ATM विड्रॉल्स. द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन द लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज इन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर, न्यू दिल्ली. चाहे बैंक का ATM अमृतसर में है लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, क्योंकि एड्रेस ऑफ द रिकॉर्ड एड्रेस जो है इन द रिकॉर्ड वो लिया जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई. मिस्टर सी फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश विजिट ए बैंक रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली फॉर गेटिंग ए डिमांड ड्राफ्ट मेड. मिस्टर सी डज नॉट हैव एनी अकाउंट विद द सैड बैंक. देयरफॉर सिंस द लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट इज नॉट अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर. तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश जो न्यू दिल्ली में
बैंक में वो गया है वहां पर उनके पास मिस्टर सी का एड्रेस नहीं है, इसलिए जो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लायर है न्यू दिल्ली उसको ही प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर कर लिया जाएगा। 12.13 द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज, तो यहाँ पर इंश्योरेंस सर्विसेज के रिगार्डिंग है। टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, अगर इंश्योरेंस सर्विसेज आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो लोकेशन ऑफ द सच पर्सन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। तो उसकी लोकेशन क्या है वो, यानी कि हर केसेस में अगर देखा जाए तो रिसिपेंट ऑफ की लोकेशन को यहाँ पर लिया जाएगा। 12.14 द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ए स्टेट गवर्नमेंट ए स्टैचुटरी बॉडी और ए लोकल अथॉरिटी मेड फॉर स्टेट और यूनियन टेरिटरी आइडेंटिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट शैल बी टेकन एज बींग इन ईच ऑफ द सच स्टेट यूनियन टेरिटरी एंड द वैल्यू ऑफ सच सप्लाईज स्पेसिफिक टू ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी शैल बी इन द प्रोपोर्शन टू द अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ डिसमिनेशन इन द रिस्पेक्टिव स्टेट एज मे बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल टर्म्स है, आप 12 सबसेक्शन 4 को ये नॉर्मल केसेस में एप्लीकेबल नहीं है, ये कब एप्लीकेबल है, जब एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दी जा रही हैं, किसको दी जा रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो नॉर्मल एडवर्टीजमेंट सर्विसेज पे ये एप्लीकेबल नहीं है। जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी या लोकल अथॉरिटी को सर्विसेज देते हो तो उसका जो बाइफर्केशन है वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो सच अदर बेसिस एज मे बी प्रिस्क्राइब, उन बेसिस के हिसाब से एडवर्टीजमेंट सर्विसेज को प्रिस्क्राइब वे में बाइफर्केट किया जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम बाद में डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं, ऑलमोस्ट 12-13 पॉइंट इसमें कवर्ड होते हैं जिसमें ये बाइफर्केशन होता है। तो इसको हम बाद में अपनी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, अभी हम सीधे मूव करते हैं सेक्शन 13 के रिगार्डिंग। तो जैसे सेक्शन 12 उन केसेस पे एप्लीकेबल होता था जहां पर रिसिपेंट और सर्विस प्रोवाइडर दोनों इंडिया के अंदर हैं, तो सेक्शन 13 अप्लाइज होता है जहां पर रिसिपेंट या सर्विस प्रोवाइडर उसमें से कोई एक पर्सन इंडिया के बाहर है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 13 को। तो आइए सेक्शन 13 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 13 इसका जो मेन हेडिंग है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ द सप्लायर और द लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट इज आउटसाइड इंडिया। तो यहां पर कोई भी बंदा या तो सप्लायर या फिर रिसिपेंट, कोई भी एक पर्सन आउटसाइड इंडिया हो जाता है तो सेक्शन 13 अप्लाई रहेगा, और अगर दोनों इंडिया में है तो सेक्शन 12 एप्लीकेबल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसेक्शन 1। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज और द लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज इज आउटसाइड इंडिया। तो सबसेक्शन 1 इसकी एप्लीकेबिलिटी बताता है ये कब एप्लीकेबल होगा। नाउ स्टार्ट विद द सबसेक्शन 2। The place of supply of services except the services specified in section 3 to 13 shall be the location of the recipient of services. तो यहाँ पर location of the recipient of services रहेगी, provided that where the location of the recipient of services is not available in the ordinary course of business. अगर location of the recipient of services ordinary course of business में नहीं identified है, the place of supply shall be the location of the supplier of the services. तो यहाँ पे सबसे first preference किसको दी जा रही है, recipient of services को। second को है सप्लायर ऑफ सर्विसेज को। अगर आप रिकॉल कर पाएंगे 12 सबसेक्शन 2 को, तो वहां पर जो बाइफर्केशन है जनरल रूल में वो बेस्ड है रजिस्टर्ड वर्सेस अनरजिस्टर्ड के केसेस में, जबकि यहां पर 13 में रजिस्टर्ड वर्सेस अनरजिस्टर्ड का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। वहां पर सबसे पहले अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन ली जाती थी, अगर अनरजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट की लोकेशन, और अगर रिसिपिएंट की लोकेशन नहीं है तो डायरेक्टली हम सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन ले लेते थे। तो यहां पर रजिस्टर्ड वर्सेस अनरजिस्टर्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहले हम रिसिपिएंट, फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी रिसिपिएंट रहेगी, और अगर रिसिपिएंट की जो लोकेशन है वो अवेलेबल नहीं है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, देन प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। नाउ हियर कम्स विद द सबसेक्शन 3। The place of supply of the following services shall be the location where services are actually performed. तो यहाँ पर place of supply क्या होगी इन services की, जहाँ पर services actually performed हुई हैं, namely
services supplied in respect of goods which are required to be made physically available by the recipient of services to the supplier of services or to a person acting on behalf of the supplier of services in order to provide the services. तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, यदि services supplied की गई हैं उस goods के regarding जिनको physically available कराना जरूरी है, फिजिकली अवेलेबल कराना जरूरी है टू द सप्लायर ऑफ सर्विसेज. यानी कि सपोज कीजिए आप अपनी मोटर ठीक करवाने लेके गए हैं, तो जब तक आप मोटर अपनी दिखाएंगे नहीं तो वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते. तो यहाँ पर फिजिकली अवेलेबल कराना गुड्स को कंपलसरी है. तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड. तो जहां पर भी सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म्ड की गई हैं. Provided that when such services are provided from a remote location by way of electronic means, the place of supply shall be the location where the goods are situated at the time of supply of services. तो suppose कीजिए अब technological advancement के जरिए अब ऐसा हो गया है कि आपके goods को electronic way में यानी कि घर बैठे भी ठीक कराया जा सकता है वहां पर, तो उन that case जहां पर भी goods की location होगी वो place of supply यहां पर consider किया जाएगा. तो पहले तो देखेंगे लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, जहां पर सर्विसेज परफॉर्म्ड की हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक वे से की हैं तो गुड्स की लोकेशन को हम यहां पर क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे. Provided further that nothing contained in this clause shall apply in case of services supplied in respect of goods which are temporarily imported into the India for repair or for any other treatment or process. तो यहां पर ये further that nothing contained in this clause, तो यहाँ पे ये clause applicable नहीं हो रहा. किस केस में, in the case of services supplied in respect of goods which are temporarily imported into India. तो goods को temporarily import किया गया है for repair or any other treatment or process के लिए. तो अगर आप देखेंगे अगर ये clause हमने applicable कर दिया तो जब वो import के लिए goods आया तो उसकी जो place of supply है वो India consider हो जाएगी. बट यहां पर क्या कंडीशन है, एंड आर एक्सपोर्टेड आफ्टर सच रिपेयर और ट्रीटमेंट. तो अगर हमने ये क्लॉज यहां पर एप्लीकेबल कर दिया तो जो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इंडिया कंसीडर हो जाएगी और इंडिया कंसीडर होने के लिए टैक्स लग जाएगा. लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती ऐसे किसी भी गुड्स पर टैक्स लगाना जो कि बाद में एक्सपोर्ट कर दिए गए हों. तो इस वजह से यहाँ पर कंडीशन रखी गई है, यदि कोई गुड्स इंडिया में लाए गए हैं फॉर रिपेयर और एनी अदर ट्रीटमेंट पर्पज के लिए और जिन्हें बाद में एक्सपोर्ट कर दिया जा रहा है आफ्टर सच रिपेयर और ट्रीटमेंट और प्रोसेस विदाउट बींग पुट टू एनी यूज इन इंडिया, जस्ट रिपेयर किया और वापसी भेज दिया, उसे इंडिया में यूज नहीं किया जा रहा. अदर देन दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर सच रिपेयर और ट्रीटमेंट और प्रोसेस, लेकिन उसका यूज किया जा रहा है, कितना यूज किया जा रहा है ताकि पता लगा सकें कि जो रिपेयर की है वो ठीक से हुई है नहीं हुई है. सपोज कीजिए अगर कोई मेरे पे मशीन आई है रिपेयर होने के लिए, मैंने उसे रिपेयर किया और अगर मैं इंडिया में एक उसका कंपोनेंट बनाकर नहीं देखूंगा उस मशीन से तो मुझे नहीं पता लगेगा कि मेरी मशीन ठीक हुई है या नहीं हुई है. तो यानी कि उतना यूज अलाउड किया गया है. तो कोई भी रिपेयर के लिए अगर गुड्स इंडिया में आया है और जिसे बाद में एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा विदाउट बींग यूज, तो उस केसेस में ये वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा. तो गुड्स के ऊपर हमने बात कर ली कि अगर गुड्स को फिजिकली अवेलेबल कराना है तो जहां पर भी सर्विसेज दी गई हैं वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, और अगर रिमोट लोकेशन से अगर गुड्स रिपेयर किए गए हैं तो जहां पर भी गुड्स की लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, और अगर कोई गुड्स टेम्परेली इंडिया में लाए गए हैं और बाद में एक्सपोर्ट कर दिया गया है तो उस केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई ये वाला प्रोविजन उस पर नहीं लगेगा, यानी कि उस केसेस में जनरल प्रोविजन पे बात चली जाएगी. अब थर्ड का बी क्या कहता है, द सर्विसेज सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेड ईदर एज ए रिसिपिएंट ऑफ सर्विस और ए पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रिसिपिएंट विच रिक्वायर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रिसिपिएंट और द पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ विद द सप्लायर ऑफ द सप्लायर फॉर द सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज. तो यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल की फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है तो वहां पर भी जहां पर एक्चुअली सर्विसेज दी गई हैं वो लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा. तो हम यहां पर इसे कह सकते हैं कि थर्ड वाला जो सबसेक्शन है वो रिलेटेड है कि जहां पर भी फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है चाहे गुड्स की हो चाहे
पर्सन की फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड हो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा जहां पर सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म की गई हैं। तो सबसेक्शन थर्ड हो गया। सबसेक्शन थर्ड से रिलेटेड हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। तो यहां पर आप एग्जाम्पल देखेंगे, मिस्टर एक्स न्यू दिल्ली इम्पोर्ट्स ए मशीन फ्रॉम जर्मनी फॉर बीइंग इंस्टॉल्ड इन हिज फैक्ट्री एट न्यू दिल्ली। तो यहां पर इम्पोर्ट ऑफ मशीन की गई है। टू इंस्टॉल सच मशीन मिस्टर एक्स टेक्स द सर्विस ऑफ एन इंजीनियर हु कम्स टू इंडिया फ्रॉम जर्मनी फॉर दिस स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द इंस्टॉलेशन सर्विसेज, तो इंस्टॉलेशन सर्विसेज की जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी क्योंकि इसके लिए गुड्स को फिजिकली अवेलेबल कराना जरूरी है, तो जो मशीनरी की जहां पर सर्विसेज दी गई हैं यानी कि न्यू दिल्ली में आके सर्विसेज दी गई हैं तो वो प्लेस यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। ए सॉफ्टवेयर कंपनी लोकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टेक सर्विसेज ऑफ इट सॉफ्टवेयर कंपनी लोकेटेड इन द बैंगलोर टू सर्विस इट्स सॉफ्टवेयर इन द यूएसए। सॉफ्टवेयर कहां पर है, यूएसए में है, लेकिन सर्विसेज कहां से दी जा रही हैं, बैंगलोर से दी जा रही हैं सर्विसेज। तो क्या यहां पर गुड्स को अवेलेबल कराना जरूरी है, तो यस। तो यहां पर क्या प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, जो भी सर्विसेज की लोकेशन है यानी कि बैंगलोर, लेकिन सिंस ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दी गई है हेंस इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर शिफ्ट हो जाएगी, जहां पर गुड्स लोकेटेड है यानी कि गुड्स कहां पर लोकेटेड है इस केस में, यूएसए में। तो यहां पर यूएसए यहां पर कंसिडर किया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ABC Limited Hyderabad has exported a machine to a company in Indonesia. The machine stopped functioning and is thus imported by the ABC Limited for free repairs in terms of the sale contract. So machine import ki gayi hai for the repair purpose and the machine is exported after its repairs. So place of supply kahan par hoga? Kya jahan par services di gayi hai wahan par? नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोवाइजो एडेड है और कहता है कि इस केसेस में ये वाला सब क्लॉज नहीं लगेगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, नॉर्मल प्रोविजंस में चला जाएगा यानी कि रेसिपिएंट की लोकेशन, यानी कि लोकेशन क्या है रेसिपिएंट की, इंडोनेशिया। QR Private Limited imports raw diamond from a diamond merchant in the Belgium for the purpose of cutting, polishing and finishing the same. After the work is completed, the finished diamonds are exported to the diamond merchant in Belgium. The place of supply of a job work undertaken by QR Private Limited is the location of the recipient, Belgium. यहाँ पर पर्सन के रिगार्डिंग आ गया, मिस्टर एक्स ए हेयर स्टाइलिस्ट रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली ट्रेवल्स टू सिंगापुर टू प्रोवाइड हिज सर्विसेज टू मिस्टर वाई ए रेजिडेंट ऑफ सिंगापुर। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड यानी कि सिंगापुर। तो उम्मीद है आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा। नाउ हम बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सप्लाइड इन मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी। अगर आपने मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में सर्विसेज दी हैं तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर कैसे कंसिडर किया जाएगा। तो अभी तक हमने रूल 4, रूल 5, रूल 6 पढ़ चुके हैं। रूल 4 वॉज इन रिलेशन टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, रूल 5 वॉज इन रिलेशन टू द इवेंट, रूल 6 वॉज इन रिलेशन टू द टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। यहाँ पर हमने पॉइंट वाइज पढ़ा था कि पॉइंट वाइज स्टेट में कितने पॉइंट है उसके बेसिस पर बाइफर्केशन किया जाएगा। नाउ रूल 7 इज रिगार्डिंग मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोपोर्शनेट वैल्यू इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन द केस ऑफ व्हेन सर्विसेज आर परफॉर्म्ड ऑन द गुड्स और द सर्विसेज। तो यहाँ पर देखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज द प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सर्विसेज सप्लाइड इन डिफरेंट स्टेट्स इज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल 7। तो सर्विसेज सप्लाइड ऑन द सेम गुड्स, तो इक्वली डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ सर्विस इन ईच ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी वेयर द सर्विसेज इज परफॉर्म्ड। तो यहाँ पर अगर सेम गुड्स पे किया है तो इक्वली डिवाइडिंग कर देंगे वैल्यू ऑफ सर्विसेज को इन ईच ऑफ द स्टेट। सर्विस सप्लाइड ऑन द डिफरेंट गुड्स, तो कंसीडरिंग द रेशियो ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स इन ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑन विच सर्विस इज परफॉर्म्ड एज द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ द सर्विस परफॉर्म्ड इन ईच स्टेट और सर्विसेज सप्लाइड टू द इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल को है अप्लाइंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो यहाँ पे अगर इंडिविजुअल की बात है तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात आ जाएगी। तो एग्जांपल वन क्या है, सर्विसेज सप्लाइड ऑन द सेम गुड्स। ए कंपनी सी विच इज लोकेटेड इन द कोलकाता इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ टेस्टिंग ऑफ ए ड्रेजिंग मशीन एंड द टेस्टिंग सर्विस ऑन द मशीन इज कैरिड आउट इन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो सेम मशीन पे जो सर्विसेज हुई है वो उड़ीसा में भी हुई है और आंध्र प्रदेश में भी हुई है। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश एंड द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज इन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश विल बी असर्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ सर्विसेज इक्वली बिटवीन दीज टू स्टेट्स। तो यहाँ पर अगर सेम गुड्स का
केस है तो यहां पर वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, इक्वली डिसाइड हो जाएगी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट यहां पर एप्लीकेबल नहीं है तो। एग्जाम्पल टू, सर्विसेज सप्लाइड ऑन डिफरेंट गुड्स, तो ए कंपनी सी विच इज located in Delhi is providing the services of servicing of two cars belonging to Mr. X. One car is of manufacturer J and is located in Delhi and is serviced by its Delhi workshop. The other car is of manufacturer A and is located in Gurugram and is serviced by its Gurugram workshop. The value of the service attributable to the Union Territory of Delhi and the state of Haryana respectively shall be calculated by applying the ratio of the इनवॉइस वैल्यू ऑफ द कार जे एंड द इनवॉइस वैल्यू ऑफ द कार ए टू द टोटल वैल्यू ऑफ द सर्विसेज। तो यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू जो भी है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर वैल्यू ऑफ सर्विसेज को निकाला जाएगा। एग्जाम्पल नंबर थ्री, सर्विसेज सप्लाई टू इंडिविजुअल, तो ए मेकअप आर्टिस्ट एम हैज टू प्रोवाइड मेकअप सर्विसेज टू एन एक्टर ए। ए इज शूटिंग सम सीन इन मुंबई एंड सम सीन इन गोवा। एम प्रोवाइड द मेकअप सर्विसेज इन मुंबई एंड गोवा। The services are provided in Maharashtra and Goa and the value of the service in Maharashtra and Goa will be ascertained by applying the general accepted accounting principle. तो यहाँ पर generally accepted accounting principle का follow up करके आप human के ऊपर की गई services का bifurcation कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये rule भी समझ में आ गया होगा। Now start with 12 subsection 13 subsection 4. 13 subsection 4, the place of supply of services supplied directly in relation to an immovable property including services supplied in this regard by the experts and estate agent including services of accommodation by the hotel, inn, guest house, club, campsite by whatever name called, grant of right to use immovable property, services for carrying out or coordination of the construction work including that of architects or interior decorator shall be the place where the immovable property is located or intended to be located. So, yahan par immovable property जहां पर भी लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है उसकी सर्विसेज वो लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर कंसीडर की जाएगी। तो आप यहां पे देखेंगे सबसेक्शन 12 में जो है लॉजिंग अकोमोडेशन की सर्विसेज भी थी लेकिन यहां पर लॉजिंग अकोमोडेशन की सर्विसेज नहीं है ना ही यहां पर बोट और शिप का रेफरेंस लिया गया है। तो यहां पर जो लॉजिंग अकोमोडेशन के सर्विसेज थी वो यहाँ पर मिसिंग है तो हाउस बोट और वेसल का लोकेशन यहाँ पर नहीं लिया गया है। आइए इसके रिलेशन में देख लेते हैं एनालिसिस। तो यहाँ पे मिस्टर सी एन आर्किटेक्ट न्यू दिल्ली प्रोवाइड्स प्रोफेशनल सर्विसेज टू मिस्टर जेड ऑफ न्यूयॉर्क इन रिलेशन टू हिज इमोबल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन पुणे। तो जहां पर भी इमोबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर कंसीडर हो जाएगी। मिस्टर सी एन आर्किटेक्ट न्यू दिल्ली एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर जेड ऑफ न्यू दिल्ली न्यूयॉर्क to provide professional service in respect of immovable property of Jet located in Pune and New York. Since the immovable property located in more than one location, including a location in the taxable territory, the place of supply is in the location of the taxable territory. ये वाला rule हम बाद में पढ़ लेंगे, इसी में आगे continuation में rule आता है कि यदि दो location पर services दी जा रही है और एक location taxable territory में है और एक location बाहर है तो in that case उसकी जो location है वो India में treat कर ली जाएगी, यानी कि यहाँ पर New York और Pune है तो Pune में यहाँ पर treat कर ली जाएगी। जबकि अगर आप सेक्शन 12 का रेफरेंस देखते हैं तो वहां पर अगर लोकेशन आउटसाइड इंडिया जा रही होती है तो उसको भी हम कहां पर ले आते हैं, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ट्रीट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सप्लाइड इन मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी, द वैल्यू ऑफ सर्विसेज सप्लाई डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी वेयर द सर्विसेज सप्लाइड इज इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर वैल्यू में देखा जाएगा लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कैसे देखा जाएगा, तो यहाँ पर रूल 8 एप्लीकेबल रहेगा। तो वहां पर अगर सेक्शन 12 की हम बात करते हैं तो वहां पर रूल 4 एप्लीकेबल होता है और सेक्शन 13 की हम बात करते हैं तो रूल 8 एप्लीकेबल होता है। In the absence of a contract agreement between the supplier and the recipient of service, the proportionate value of service applied in the different union territory is computed in accordance with the Rule 8 of the IGST rules. Rule 8 lays down that in the absence of any such contract or agreement, the value is determined by applying the provision of Rule 4 of the said rules mutatis mutandis. So, yahan par Rule 8 kehta hai ki hum Rule 4 ko mutatis mutandis laga lenge, yani ki jo area wise bifurcation hai, hum uske hisab se bifurcate kar lenge.
Thus, the provision for determining the proportionate value of services provided directly in relation to both supplier located are applicable for determining, यानी कि जो rule 4 है वो ही यहाँ पर applicable हो जाएगा जितना applicable रहता है, क्योंकि आप देखेंगे कि वहाँ पर 12 subsection 5 में जो immovable property है उसमें accommodation की services भी है, तो rule 4 accommodation की services पे भी लगता है, लेकिन यहाँ पर accommodation की services नहीं है, इसलिए rule 4 यहाँ पर applicable उस हद तक नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर रूल 8 को रेफर किया गया है और रूल 8 कहता है कि हमारे को दोबारा रूल 5 पे जाना होगा। तो नेक्स्ट सबसेक्शन इज सबसेक्शन 5। आप अगर रूल को देखेंगे तो वहां पर सबसेक्शन 3 जो वहां पर सबसेक्शन 3 था इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो यहां पर सबसेक्शन 4 है, और वहां पे जो सबसेक्शन 4 था यानी कि यूजर स्पेसिफिक सर्विसेज वाला, वो सर्टेन हद तक सबसेक्शन 3 है, तो 3-4 को यहाँ पर इंटरचेंज रखा गया है, तो आप याद करने के पर्पज से उस चीज को देख सकते हैं। सबसेक्शन 5 जो वहां पर था वो ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज के रिगार्डिंग था, लेकिन यहाँ पर उसको स्किप किया गया है और सीधे सबसेक्शन 5। नाउ सबसेक्शन 5, तो वहां पर सबसेक्शन 5 जो था ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज से रिगार्डिंग था, वहां का जो 6th और 7th जो सबसेक्शन है, 6th था इन रिलेशन टू एडमिशन टू एनी प्लेस पार्क और इवेंट, और यहाँ 7th था इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सच इवेंट, तो यहाँ पर उन दोनों को क्लब रखा गया है, तो द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सप्लाइड बाय वे ऑफ एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, तो यहाँ पर एडमिशन की सर्विसेज एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज दोनों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ऑफ ए कल्चरल आर्टिस्टिक स्पोर्टिंग साइंटिफिक एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट इवेंट और ए सेलिब्रेशन कॉन्फ्रेंस फेयर एग्जीबिशन और सिमिलर इवेंट एंड ऑफ सर्विस एंसिलरी टू सच एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन शैल बी द प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, तो जहाँ पर इवेंट एक्चुअली हेल्ड हुआ है वहाँ पर लोकेशन उसकी मान ली जाएगी। तो आइए इसका एनालिसिस पार्ट देखते हैं। The value of service supplied in more than one state or union territory. The value of services supplied by way of admission to or organization of an event in each state or union territory where the services is supplied is in proportion to the value of services determined in terms of contract agreement entered into this regard. और अगर कोई contract नहीं है तो in that case rule 9 applicable हो जाएगा। तो in the absence of a contract agreement between the supplier and the recipient, the proportionate value of supply supplied in different state union territory is computed in accordance with the rule 9. तो rule 9 क्या कहता है? Rule 9 lays down that in the absence of any such contract or agreement, the value is determined by applying the provision of rule 5 of the said rules. तो rule 5 हमने पढ़ा था in relation to the event. तो वहां पर था कि नंबर ऑफ इवेंट्स की बेसिस पे हम बाइफर्केशन कर लेंगे, तो सेम प्रोविजन रूल 9 का यहां पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। Thus, the provision for determining the proportionate value of services supplied by way of organization of an event under section 12 subsection 7 both the are applicable for determining the proportionate value of supplied by way of admission to an organization of an event under section 13.5. तो यहाँ पर आप देखेंगे 13.5 पर जो provisions हैं वो same लगेंगे rule 5 वाले। तो subsection 3 is regarding the user specific services or goods specific services. 4th is regarding the immovable property and 5 is regarding the admission as well as organization of an event. Now subsection 6. Subsection 6, what subsection 6 says, it's a very easy subsection. Where any services referred to in subsection 3, yani ki user specific ya goods specific services, or subsection 4, yani ki in relation to immovable property, or subsection 5, yani ki in relation to admission or organization of event, is supplied at more than one location. तो यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको अभी हम बाद में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर subsection 6 क्या कहता है कि यदि थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर की सर्विसेज मोर देन वन लोकेशन पे दी गई है इंक्लूडिंग ए लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी, इट्स प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी, यानी कि मोर देन वन लोकेशन पे, दो लोकेशन पे दी गई है, तो जो भी टैक्सेबल टेरिटरी में होगी वो लोकेशन यहाँ पर कंसिडर की जाएगी। तो यानी कि दो इवेंट हुए हैं, एक लंदन में और एक दिल्ली में, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसकी दिल्ली ट्रीट की जाएगी अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 6।
Now here we comes on subsection 7, where the services referred to in subsection 3, 4th and 5th are supplied in more than one state or union territory, the place of supply of such services shall be taken as being in each of the respective state or union territory, and the value of the such specific to each state shall be in proportion to the value of services separately collected or determined in terms of the contract agreement, or in this regard in the absence of such contract agreement on such other basis as may be prescribed. तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर more than one state में है तो हम contract के basis पे जाएंगे, अगर contract नहीं है तो हम rules पे जाएंगे. तो third subsection के लिए हमने देख लिया था rule number 7 applicable था, subsection 4 के लिए rule number 8 applicable था, rule number 8 जो सबसेक्शन 3 में हमने तीन बातें पढ़ी थी, अगर सेम गुड्स पे किया जा रहा है या फिर डिफरेंट गुड्स पे किया जा रहा है. अगर सेम गुड्स पे किया जा रहा है तो इक्वली बांट लेंगे, डिफरेंट गुड्स पे किया जा रहा है तो वैल्यू ऑफ द इनवॉइस देखी जाएगी, और अगर सेम पर्सन पे किया जा रहा है तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे जाएंगे. तो ये रूल 7 हमने डिस्कस कर लिया था. सबसेक्शन 4 इज रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें रूल 8 एप्लीकेबल होता है, और रूल 8 कहता है कि जो रूल 4 था इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सेम रूल एप्लीकेबल हो जाएगा. सबसेक्शन 5 इज इन रिलेशन टू इवेंट, एंड उसमें बताया गया है रूल नंबर 9. रूल नंबर 9 सेज कि रूल नंबर 5 में जो हमने बात सीखी थी वही बात यहां पर भी एप्लीकेबल हो जाएगी. तो ये चीज भी हम यहां पर कवर कर चुके हैं. तो यहां पे हम सबसेक्शन 8 देखते हैं. द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉलोइंग सर्विसेज शैल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज. तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि इन सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो भी सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन है. तो यानी कि नॉर्मली हम रिसिपिएंट की लोकेशन को प्रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन सर्विसेज के केस में हम सप्लायर की लोकेशन को प्रेफर कर रहे हैं. सबसे पहला क्या है, सर्विसेज सप्लाइड बाय ए बैंकिंग कंपनी और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ए NBFC टू द अकाउंट होल्डर. तो आप देखेंगे हर किसी के लिए नहीं है ये सर्विसेज सिर्फ बोला गया है कि यदि ये सर्विसेज अकाउंट होल्डर को दी जाती हैं तो ही इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज कहलाएगा. अब नाउ अकाउंट होल्डर क्या होता है या फिर अकाउंट क्या रहता है, तो उसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है. अकाउंट्स मींस एन अकाउंट्स बियरिंग इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर. तो जिस पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो अकाउंट कहलाएगा. एंड इंक्लूड्स इन नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट एंड ए नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट. तो जो नॉन रेजिडेंट के दो तरीके के अकाउंट होते हैं, NRE अकाउंट और NRO अकाउंट, दोनों यहाँ पर कवर्ड होते हैं. तो अकाउंट का मीनिंग क्या है, जिस पर इंटरेस्ट मिल रहा हो डिपॉजिटर को. तो इंटरेस्ट मिलना यहाँ पर मेन कंडीशन है. अगर आप करंट अकाउंट को देखेंगे तो वहां पर इंटरेस्ट वहां पर नहीं मिलता है, तो वो चीज यहाँ पर कवर्ड नहीं होगी. सेकेंड है इंटरमीडियरी सर्विसेज. अगर इंटरमीडियरी सर्विसेज दी जा रही हैं तो उसका भी सप्लायर की लोकेशन यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. यहाँ पर NBFC की डेफिनेशन है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है, नाउ यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपका मेन हो जाता है इंटरमीडियरी सर्विसेज में. सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग याच बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड वेसल अप टू ए पीरियड ऑफ 1 month. यानी कि अगर एक महीने तक के लिए आप मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट को हायर पे लेते हैं, एयरक्राफ्ट और वेसल को छोड़ दें, तो अगर एक महीने के लिए आप कोई भी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट को हायर पे लेते हैं तो उस केस में सप्लायर ऑफ सर्विसेज, जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है उसकी लोकेशन आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर की जाएगी. तो आइए इस पे भी एनालिसिस पार्ट देख लेते हैं इसका. तो यहाँ पर मिस्टर सी ए फॉरेन टूरिस्ट ऑन ए विजिट टू वाराणसी यूजेस हिज इंटरनेशनल डेबिट कार्ड टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम एन ATM ऑफ ए लोकल बैंक रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश. तो यहाँ पर मिस्टर सी एक फॉरेन टूरिस्ट है जो कि वाराणसी के टूर पे आए हुए हैं. उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेबिट कार्ड निकाला और ATM से अपना पैसे विड्रॉ कर लिए. द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज वाराणसी. तो यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज दी गई है टू द अकाउंट होल्डर. तो यहाँ पर इसे जो प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी कंसिडर की जाएगी, जो भी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर है. तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है, यानी कि जो बैंक जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, तो उसकी यहाँ पर लोकेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई
हो जाएगी। एक ट्रेवल एजेंट रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली बुक्स ए टूर ऑफ फेमस इंडियन सिटीज फॉर ए दुबई रेजिडेंट। तो यहां पर एक ट्रेवल एजेंट है जिसने रजिस्टर्ड है न्यू दिल्ली में बुक्स ए टूर फॉर ऑफ फेमस इंडियन सिटीज फॉर ए दुबई रेजिडेंट। एक दुबई से पर्सन आया है उसके लिए टूर अरेंज करवाया है, यानी कि इंटरमीडियरीज की सर्विसेज यहाँ पे हैं। द प्लेस ऑफ लोकेशन सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, यानी कि न्यू दिल्ली जो भी ट्रेवल एजेंट की सर्विसेज है वो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर कंसिडर कर लिया जाएगा। मिस्टर डी एन अनरजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड इन द न्यू दिल्ली हायर्स ए याच फ्रॉम ए कंपनी बेस्ड इन लंडन यूके फॉर 20 डेज। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज दैट इज लंडन। तो यानी कि सप्लायर की लोकेशन क्या है, लंडन है, तो वहां पर एक महीने के लिए लिया है, तो यानी कि फिर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे हो जाएगा, जो सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन है। और यदि आपको सेक्शन 12 सबसेक्शन 12 इन रिलेशन टू बैंकिंग सर्विसेज याद हो तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहता है, रिसिपिएंट की लोकेशन, जो कि एड्रेस हमारे पास एग्जिस्ट करता है, और अगर एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम सप्लायर की लोकेशन पे जाते हैं। लेकिन 13 सबसेक्शन 8 में इन सर्विसेज की सीधे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रखी गई है, सप्लायर ऑफ लोकेशन, सप्लायर की जो लोकेशन है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई रखा गया है। नाउ हियर कम्स ऑन 13 सबसेक्शन 9, the place of supply of services of transportation of goods other than by way of mail or courier shall be the place of destination of such goods। तो आप यहां पर देखेंगे transportation of goods की services है other than mail or courier, जबकि आप सेक्शन 12 में अगर जाएंगे तो वहां पर मैंने आपको वर्ड 12 8 में आपको पढ़ाया था कि इंक्लूडिंग मेल और कुरियर है वहां पर, तो वहां पर मेल और कुरियर की बात थी और यहां पर अदर देन मेल और कुरियर की बात है। यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, शैल बी द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड, तो यहाँ पर डेस्टिनेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर किया गया है। और वहां पर किस हिसाब से था, अगर आपने रेजिडेंट को सर्विसेज दी है तो रेजिडेंट की लोकेशन, और अगर आपने अदर देन रेजिडेंट को दी है तो जहां पर भी गुड्स हैंडेड ओवर किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर डेस्टिनेशन को अल्टीमेटली प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर किया गया है। सबसेक्शन 10, द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज शैल बी द प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेयंस फॉर ए कंटिन्यूअस जर्नी। तो यहाँ पर जहां पर भी पैसेंजर एम्बार्क्स करता है वो प्लेस यहाँ पर क्या माना गया है, प्लेस ऑफ सप्लाई माना गया है। लेकिन 12 की अगर हम बात करें तो वहां पर बाइफर्केशन था रजिस्टर्ड पर्सन वर्सेस नॉन रजिस्टर्ड पर्सन में, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया है तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, और अगर अनरजिस्टर्ड को दिया गया है तो जहां से पैसेंजर एम्बार्क करता है वो वहां की जर्नी, उसको प्लेस ऑफ सप्लाई माना गया था। आप देखेंगे 12 और 13 में एक मेजर डिफरेंस है, 12 में रजिस्टर्ड वर्सेज नॉन रजिस्टर्ड का एक बाइफर्केशन है, जबकि 13 में रजिस्टर्ड वर्सेज नॉन रजिस्टर्ड का ऐसा कोई भी बाइफर्केशन नहीं है। सबसेक्शन 11, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड ए कन्वेयंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन इंक्लूडिंग सर्विसेज इंटेंडेड टू बी होली और सब्सटेंशियली कंज्यूम्ड व्हाइल ऑन बोर्ड शैल बी द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेयंस फॉर द जर्नी। तो ये सेम है एज सेक्शन 12, तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 10 जो था ऑन बोर्ड सर्विसेज का, सेम यहाँ पर सेम सेक्शन एप्लीकेबल होता है। तो इसका एनालिसिस पार्ट देख लेते हैं, इन तीनों का जो है हमारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और ऑन बोर्ड सर्विसेज, इन तीनों का एनालिसिस पार्ट एक साथ दिया गया है तो हम उसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का है अदर देन बाय मेल और कुरियर, तो डेस्टिनेशन को यहाँ पर लोकेशन लिया गया है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की है तो जहां पर एम्बार्क कर रहा है वहां पर, कंटिन्यूस जर्नी की हम डेफिनेशन देख चुके हैं पहले ही, और अगर ऑन बोर्ड सर्विसेज हैं जो कि कंज्यूम होल्डली और सब्सटेंशियली कंज्यूम्ड हो जाएंगी बोर्ड पर ही, तो उसका जो फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट है वो यहां पर लिया जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, मिस्टर ए ए फॉरेन टूरिस्ट हैज बुक्ड ए टिकट फॉर न्यू दिल्ली श्रीलंका फ्लाइट फ्रॉम एन एयरलाइन रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली फॉर ए कंटिन्यूस जर्नी विदाउट एनी स्टॉप ओवर। The place of supply is the place where the passenger embarks on the conveyance for a continuous journey, यानी कि न्यू दिल्ली।
नाउ यहाँ पे एक सर्कुलर में स्पेसिफाई किया गया था टैक्सेबिलिटी ऑफ सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज. तो सैटेलाइट इज इन टर्म्स ऑफ गुड्स, और उसका लॉन्चिंग जो सर्विसेज है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज में कवर्ड होती है. तो अगर आप देखेंगे तो वहां पर अगर जो सर्विस प्रोवाइडर और रिसिपेंट दोनों इंडिया में है तो वहां पर सेक्शन 12(8) लगेगा, और रजिस्टर्ड पर्सन 12(8) के हिसाब से अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है तो लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर अनरजिस्टर्ड को दी गई है तो जहां पर भी हैंडेड ओवर किए गए हैं. और अगर 13(9) की मैं बात करता हूँ तो डेस्टिनेशन जो प्लेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा. तो हैज क्लैरिफाइड दैट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ए सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सप्लाइड बाय अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड ए होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी टू एन इंटरनेशनल कस्टमर. तो यहाँ पर कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, 13(9) वुड बी द आउटसाइड, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 13(9) वुड बी आउटसाइड इंडिया, क्योंकि क्या है डेस्टिनेशन प्लेस यहाँ पर लिया जाता है. एंड सच सप्लाई विल मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 26, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन मीट कर जाएगी और सेक्शन 16 में जीरो रेटेड सप्लाई कहलाएगी. ये हम जब आईटीसी का चैप्टर आएगा आप देख सकते हैं, मैंने आईटीसी की भी एक वीडियो अपलोड की है, आप वो चैप्टर देख सकते हैं, तो वहां पर आपको सेक्शन 16 का रेफरेंस मिल जाएगा. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की जो मैंने वीडियो अपलोड की है आप वहां पर भी वो देख सकते हैं, वो भी आपके ही सिलेबस से उठाया हुआ मटेरियल है. दो वो मैंने बुक से कवर्ड नहीं किया है, लेकिन एक एक चीज उसमें वहां पर आपके सिलेबस की कवर्ड है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं. वेयर सेटेलाइट लॉन्च सर्विसेज इज प्रोवाइडेड टू ए पर्सन लोकेटेड इन इंडिया. तो यानी कि अगर जो रिसिपेंट है वो भी इंडिया में ही है, देन सेक्शन 12(8) एप्लीकेबल हो जाएगा एंड वुड बी टैक्सेबल अंडर CGST और IGST एक्ट एज द केस मे बी. तो यहाँ पर इसका एनालिसिस पार्ट कंप्लीट होता है. नाउ दिस इज इन रिगार्ड टू 13 सबसेक्शन 12. The place of supply of online information and database access or retrieval services. तो मैंने इसकी डेफिनेशन OIDR services की डेफिनेशन आपको बताई थी. OIDR services में तीन चीजें थी कि एक तो over the internet ये provide की गई हो toward by electronic network, दूसरा fully automatic हो और minimum human intervention हो, और without information technology it is impossible to deliver these services. तो ये तीन point हैं जिसे OIDR services की definition covered होती है. तो इसकी place of supply क्या रखा गया है, shall be the location of the recipient of services. तो यहाँ पर place of supply को क्या रखा गया है, recipient of services की location यहाँ पर रखा गया है. Explanation: For the purpose of this subsection, person receiving such service shall be deemed to be located in the taxable territory if any two of the following non-contradictory conditions are satisfied. तो यदि दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो ये माना जाएगा जो पर्सन रिसीविंग है वो टैक्सेबल टेरिटरी में फॉल करता है, क्योंकि इन सर्विसेज में पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लोकेशन कहाँ पे है रिसिपेंट की. तो यहाँ पर डीमिंग फिक्शन डाला गया है कि यदि एनी टू कंडीशन आर मीट देन डीम्ड मान लिया जाएगा कि वो जो रिसिपेंट है वो इंडिया में है, यानी कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है. तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन है, the location of the address presented by the recipient of the services through internet is in the taxable territory. अगर तो location जो address present किया गया है वो taxable territory में है. The credit card or debit card or the store value card or the charge card, smart card or any other card by which the recipient of the services settles the payment has been issued in the taxable territory. Suppose कीजिए आपने payment SBI card के debit card से की है, तो since SBI जो है वो इंडिया में है टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो इसलिए लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट भी कहां पे मानी जाएगी, टैक्सेबल टेरिटरी में मानी जाएगी. यानी कि अगर उसने अपना एड्रेस टैक्सेबल टेरिटरी का दिया है तो, या फिर उसने पेमेंट किसी ऐसे कार्ड से की है जो टैक्सेबल टेरिटरी में इशूड किया गया था, द बिलिंग एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज इन द टैक्सेबल टेरिटरी, द आईपी एड्रेस ऑफ द डिवाइस यूज्ड बाय द सर्विसेज इन द टैक्सेबल टेरिटरी, द बैंक ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज इन विच द अकाउंट यूज्ड फॉर पेमेंट इज मेंटेन्ड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, द कंट्री कोड ऑफ द सिम कार्ड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड यूज्ड बाय द रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज इज ऑफ टैक्सेबल टेरिटरी. यदि सिम कार्ड वो टैक्सेबल टेरिटरी का यूज कर रहा है तो भी उसकी लोकेशन को कहां पे माना जाएगा, इंडिया में माना जाएगा. तो इसमें से कोई भी दो कंडीशंस यहां पर सेटिस्फाइड हो जाएगी तो यहां पर माना जाएगा कि वो इंडिया में ही रहता है और लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा.
Now the last part of this place of supply, section 13, subsection 13. In order to prevent the double taxation or the non-taxation of the supply of services or for the uniform application of the rules, the government shall have the power to notify any description of services or the circumstances in which the place of supply shall be the place of effective use and enjoyment of the service. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपने पास पावर रखी है, यानी कि अगर डबल टैक्सेशन हो रहा है रूल्स की इम्प्लीकेशन के बावजूद, अगर नॉन टैक्सेशन हो रहा है तो इन केस गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी कि वो किसी भी तरीके की सर्विसेज को नोटिफाइड कर सकती है और बता सकती है कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है उसका इफेक्टिव यूज का प्लेस रहेगा या फिर उसके एंजॉयमेंट ऑफ सर्विसेज का प्लेस रहेगा। तो इसी के साथ हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई का ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से खत्म होता है। मैं इसके रिगार्डिंग एक रिवीजन वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगा, तो प्लीज पहले डिटेल्ड वीडियो देखिएगा ताकि आपको ईच एंड एवरी प्रोविजन आ जाए, क्योंकि मैं डिटेल्ड जो मेरी रिवीजन वीडियो होगी वो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की होगी, तो उसमें पूरी तरीके से ये आप कवर अप नहीं कर पाएंगे। मैं सारे प्रोविजन तभी आपको समझ में आएंगे जब आप पूरी डिटेल्ड वीडियो, मैंने 4 वीडियोज यहाँ पे अपलोड किए हैं, आप वो सारी वीडियोज देखेंगे। थैंक यू सो मच।